विधायक जी, जो आज आपने लेटर लिखा है 14वें वेतन के लिए, क्या मामला है? देखिए, 14वें वित्त के द्वारा करोड़ों रुपए केंद्र प्रदेश सरकार का अंश होता है और वो नगर पालिकाओं को मिलता है। इसका टेंडर कर दिया गया था, उसके बाद इसको एक्सटेंशन भी दिया गया, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के कारण विकास कार्य नहीं हो सके और इसके कारण हमारी निधि भी और माननीय सांसद जी की निधि और तमाम स्थितियां ख़राब हुई और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। लेकिन जो पैसा हमारे पास आया, अगर वो वापस जाता है तो लौनी के लिए, मेरे लिए खासतौर से दुर्भाग्य की बात होगी, जहां लौनी जनसंकट से जूझ रही है, तो उसके लिए हमने नालों के लिए पैसा इसमें से पास कराया था। और जो विद्युतीकरण हो रहा है दिल्ली सहारनपुर रोड और गाजियाबाद रोड पर, इसको जगमगाते हुए लौनी को हम देखना चाहते थे और हम चाहते थे कि दिल्ली से अच्छा लुक आए। और जहाँ तक बात लंदन बनाने की थी, तो हमारा विजन है और इसको भी हम लोग उस विजन के साथ काम कर रहे हैं कि लौनी के अंदर एक अलग से फीलिंग आए, जो लोगों ने सोचा नहीं था। तो इस लाइटिंग की व्यवस्था का भी लगभग 2.5 करोड़ रुपए पास कराया गया इसमें, और नालियों के लिए और जो हमारे इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम है, गौशाला का काम है या जो शेड बन रहा है नगर पालिका का, ये तमाम पैसा प्रदेश सरकार का होता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, हमारी नगर पालिका के पास बोर्ड में कोई पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा आता है, उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, अगर बोर्ड के पास फंड होता और बोर्ड अपना कम से कम सैलरी देने की स्थिति में होता, क्योंकि जो नगरपालिका ऑटोनोमस बॉडी होती है, लेकिन यहाँ इस तरह की स्थिति रही, जो भी मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इस पैसे को 31 जुलाई तक लास्ट है, 31 जुलाई तक इसको कंजप्ट करना है। तो वही मैंने जिलाधिकारी महोदय को लिखा है कि वो अधिशासी अधिकारी से जैसे भी जिससे टाइप करके ये हमारा पैसा वापस न जाए। अगर ये वापस गया तो लौनी की जनता के सामने हम चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अधिकारी मिल करके और हम इनके साथ लगे हुए हैं, जिस तरह से हमारा ये पुलिया का काम हुआ है PWD के द्वारा, बहुत स्पीड से काम हमने कराया क्वालिटी का, और जो काम GDA के चल रहे हैं उसी तरह से ये हमारे 3-4 काम जो हैं, लाइट का और हमारा जो नालों का काम है, जो जल निकासी जल भराव के लिए जो लोग डेली जूझते हैं, घरों में पानी भरता है, उसकी समस्या का हल हो जाएगा। 31 तारीख का बहुत सही कम समय बचा है, इसलिए ठेकेदारों से बात करें, जिससे भी बात करें, जिसको ब्लैकलिस्ट करना उसको ब्लैकलिस्ट करें, हर हाल में काम कराया जाए, नहीं तो हम जो भी अधिकारी उनको बख्शेंगे नहीं।